हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत खास है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं स्त्री प्रत्यय। जी हाँ, प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय खत्म करने के बाद आज हम फाइनली स्त्री प्रत्यय पढ़ने वाले हैं। डिटेल से सब कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो देर किस बात का है, मैं हूं विक्रम आदित्य शर्मा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर मैंने लिख कर तैयार कर लिया है, स्त्री प्रत्यय किसे कहते हैं। सबसे पहला सवाल यही होगा, स्त्री प्रत्यय किसे कहते हैं। सिंपल सा जवाब है, आइए समझते हैं। तो जवाब क्या है कि वैसा प्रत्यय जो पुलिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदल देता है, जो पुलिंग को स्त्रीलिंग में बदल देता है उसे वो कहते हैं स्त्री प्रत्यय। पुलिंग से स्त्री कर ले, स्त्री प्रत्यय। इस जैसे कि एग्जाम्पल है कि आसु, आसु मतलब क्या होता है, आसु मतलब होता है घोड़ा। अगर आसु में टांग प्रत्यय लगाते हैं तो बन जाता है अश्वा, और अश्वा मतलब घोड़ी। तो देखिए, घोड़ा से हो गया घोड़ी, पुलिंग से हो गया स्त्रीलिंग। तो ये जो टाम प्रत्यय है, जो प्रत्यय लगकर इसका लिंग बदल दिया वही है स्त्रीलिंग प्रत्यय। तो टाप क्या हुआ, स्त्री प्रत्यय हो गया। इसी प्रकार से देव मतलब होता है ईश्वर, भगवान। अगर डिप प्रत्यय, ऐसे डिप नहीं पढ़ेंगे, इसको इंगित पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं इंगित, आपने पढ़ा होगा बचपन में, काखा गाघा अंगा गुरु जी पतंगा। हम लोग यही पढ़ते थे, काखा गाघा अंगा गुरु जी पतंगा। तो ये अंगा है, और अंगा को ऐसे करेंगे तो इंगी हो जाएगा, ठीक है। तो इंगी पढ़ते हैं, तो देव प्लस इंगी इक्वल टू देवी। तो यहाँ पुलिंग से हो गया स्त्रीलिंग। तो ये जो इंगी है वो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, स्त्री प्रत्यय हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्त्री प्रत्यय क्या होता है। वैसा प्रत्यय जो पुलिंग से कर दे स्त्रीलिंग उसे कहते हैं स्त्री प्रत्यय। अब बात करते हैं स्त्री प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां मैंने लिख दिया है स्त्री प्रत्यय के भेद, टोटल 8 होते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्त्री प्रत्यय कितने होते हैं। तो स्त्री प्रत्यय होते हैं 8। कौन कौन से हैं, पहला है टाप प्रत्यय, दूसरा है डाप प्रत्यय, तीसरा है इंगित प्रत्यय, और चौथा है इंगित प्रत्यय। पढ़ना सही तरीके से पढ़िएगा, ठीक है। इसको इंगित पढ़ेंगे, इसको इंगित पढ़ेंगे, और ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसका यूज होता है। उसके बाद है चाप प्रत्यय, इंगिन प्रत्यय, यहाँ इंगिन है, ठीक है, इंगिन। ये है ती प्रत्यय और उंग प्रत्यय, यहाँ अंगा लगा है तो उंग पढ़ेंगे, उंग प्रत्यय। तो ये स्त्री प्रत्यय होते हैं 8 प्रत्यय। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। अब हम बारी बारी से सभी का डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं टाप प्रत्यय क्या है, कैसे यूज होता है, आइए समझते हैं। तो टाप प्रत्यय ऐसा प्रत्यय है जिसके लगने से अंत में आ की मात्रा जो है जुड़ जाता है, या आ की मात्रा लग जाता है। जैसे कि अश्व, अश्व मतलब होता है घोड़ा, और अश्व में टाप प्रत्यय जोड़ेंगे बन जाएगा घोड़ी। तो ये पुलिंग से स्त्रीलिंग हो गया। और बनाने का तरीका क्या है कि आप अश्व के अंत में सिर्फ आ की मात्रा जोड़ दीजिए और ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो सिंपल सा तरीका है। उसी प्रकार से अज मतलब होता है बकरा, और इसमें अगर आ की मात्रा जोड़ देंगे, अजा मतलब बकरी, तो आज में टाप प्रत्यय जोड़ देंगे बन गया आजा। इस प्रकार से हलंत लगा रहे हैं सभी में, क्योंकि हलंत होता है। मूसक मतलब चूहा, स्त्रीलिंग प्रत्यय टाप लगाएंगे बनेगा मूसिका। लेकिन आपका क्वेश्चन कैसे पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, तो आपका क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बताइए आज का स्त्रीलिंग क्या होगा, या ऐसे ऐसे पहले पता कर लेते हैं मूसक का स्त्रीलिंग क्या होगा तो मूसिका। अगर आपको घुमा के क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए मूसिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है, तब आपको यह पहचानना है कि अंत में क्या आ रहा है, आ की मात्रा आ रहा है, और जब आ की मात्रा आ रहा है तो टाप प्रत्यय लगेगा, ठीक है। लेकिन ये कन्फर्म नहीं कर सकते कि टाप प्रत्यय ही लगेगा, क्योंकि इसी का एक भाई है जिसमें आ की मात्रा सेम टू सेम होता है। तो ये आपको रटना पड़ेगा, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, सब कुछ बने बनाए नहीं मिल जाएगा, मेहनत भी करना पड़ेगा। उसी प्रकार से शिक्षिका, अगर पूछ दिया कि बताइए शिक्षिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो आपको याद करना है कि टाप प्रत्यय लगा हुआ है, शिक्षक में टाप प्रत्यय जोड़ते हैं तब जाकर बनता है शिक्षिका। उसी प्रकार से गायक में टाप प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा गायिका, नायक में टाप प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा नायिका। तो ये है स्त्री प्रत्यय, पहला प्रत्यय टाप प्रत्यय, जिसके जुड़ने से ही अंत में आ की मात्रा लग जाता है।
आइए बारी बारी से और देखते हैं। आइए अब बात करते हैं सेकंड नंबर प्रत्यय डाप प्रत्यय की। जी हाँ, डाप प्रत्यय के लगने से अंत में आ की मात्रा आता है। अब आप कहेंगे सर इसमें भी आ की मात्रा आता है, इसमें भी आ की मात्रा आता है, तो हम पहचानेंगे कैसे? तो मैं आपको एक छोटा सा सिंपल सा ट्रिक बताता हूं। देखिए, डाप प्रत्यय के अंत में आ की मात्रा तो आता ही है, लेकिन एक बात गौर करने वाली बात है कि आपको इसमें डाप प्रत्यय के सारे एग्जाम्पल है लास्ट में न जरूर देखने को मिलेगा। यानी कि आप समझ जाइए कि जहां अंत में न की मात्रा आ रहा है मतलब उसमें हम डाप प्रत्यय लगाएंगे, और जहां अंत में सिर्फ आ की मात्रा आ रहा है यानी कि अकारांत अश्व अश्व, अगर वा को देखते हैं तो वा और हलंत आ, ये सॉरी हलंत वा और आ मिलकर बनता है पूरा वा, यानी कि जहां पे अकारांत हो वहां पे हम आ यानी कि डाप सॉरी टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, और जहां पे हलंत ना हो अंत में वहां पे हम सिर्फ डाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, और इसमें भी आ की मात्रा आता है और इसमें भी आ की मात्रा आता है। तो अब कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, अगर अकारांत हो यानी कि लास्ट में आ की मात्रा आता है तो समझो कि आप टाप प्रत्यय लगाओगे, और जहां पे अंत में ना की मात्रा आता है वहां पे आप डाप प्रत्यय लगाओगे। लगाने का तरीका एक ही जैसा होता है, आइए समझते हैं कैसे। जैसे बहुराजन, डाप प्रत्यय जोड़ेंगे बहुराजा, इसमें भी आ की मात्रा लास्ट में आया है, यहाँ पे आ की मात्रा जो है छुपा हुआ है, तो आ की मात्रा यहां भी आया। सीमन प्लस डाप सीमा, यहां भी आ की मात्रा आया है, लेकिन दोनों अलग है। कैसे? क्योंकि हलंत ना इसमें आया है, जहां पे आपको लास्ट में हलंत ना दिखे आप समझ जाओ डाप प्रत्यय लगाना है। जैसे दामन प्लस डाप दामा, पामन प्लस डाप पामा, तो ये है डाप प्रत्यय और ये है क्या है टाप प्रत्यय, और इसका एक छोटा सा भाई है जो आगे आने वाला है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं तीसरा नंबर प्रत्यय इंगित प्रत्यय। इंगित प्रत्यय को पहचाना भी बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा इसको समझते हैं डिटेल से तब, ठीक है। तो क्या कहता है इंगित प्रत्यय? इंगित प्रत्यय के लगने से ही अंत में क्या लगेगा? ई की मात्रा लग जाएगा। ई की मात्रा देखेंगे मतलब समझेंगे कि इंगित प्रत्यय है, लेकिन इतना भी खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि इसका एक क्या कहता है शैतान भाई है और अभी आएगा, वो भी सेम इसी जैसा होता है, तो हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो आइए इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं क्या होता है। कुमार में इंगित प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा कुमारी, उसी प्रकार से किशोर में इंगित प्रत्यय किशोरी, और क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा कि बताइए कुमार में इंगित प्रत्यय जोड़ेगा क्या बनेगा, ये तो हम बता देंगे कुमारी बनेगा। आपको ये पूछेगा कि बताओ कुमारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इंगित प्रत्यय लगाने के बाद ही कुमार जो है कुमारी बनता है। इसी प्रकार से ये सवाल पूछा गया है कि बताइए श्रीमती में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, श्रीमती में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। चार वो ऑप्शन है, टाप प्रत्यय, डाप प्रत्यय, इंगित प्रत्यय और इंगित प्रत्यय। अब बताइए इन दो चारों में से कौन सा आंसर सही होगा, श्रीमती में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है। तो अगर आपको याद रहेगा तभी आप कहेंगे कि हाँ इसमें इंगित प्रत्यय लगता है, अगर आप याद नहीं कर पाओगे तो आपको सारा जो है लगेगा एक जैसा, मतलब ये भी सही लगेगा, ये भी सही लगेगा, ये भी सही लगेगा और ये भी सही लगेगा, तो आप कैसे मारोगे। तो आपको जो है सही तरीके से याद करना है, किशोर में इंगित प्रत्यय लगाएंगे किशोरी, श्रीमत में इंगित प्रत्यय लगाएंगे श्रीमती, देव में इंगित प्रत्यय लगाएंगे देवी, त्रिलोक में इंगित प्रत्यय लगाएंगे त्रिलोकी, और धात्री में इंगित प्रत्यय लगाएंगे धात्री। देखिए ये जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं धात्री आपने पहले भी पढ़ा है, यानी हमने आपको सत्री प्रत्यय पढ़ा था उसमें धात्री आया था और उसका स्त्रीलिंग धात्री इस प्रकार से बनता था, तो यह सत्री प्रत्यय से ही बना है। तो आपको यह याद रखना पड़ेगा कि इंगित प्रत्यय लगने से हम ई की मात्रा तो लास्ट में ला देते हैं, लेकिन किसमें ई की मात्रा आता है और कौन कैसे बनता है इस सेम याद रखें। और एक बात मैं और बता ही दूं कि इंगित प्रत्यय का एक भाई है इंगित प्रत्यय, जी हाँ एक भाई है इंगित प्रत्यय, और इसमें भी ई की मात्रा ही लगता है, तो ये कंफ्यूज करने वाला है, तो आपको ये रटना पड़ेगा या कह सकते हैं कि अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा। आइए समझते हैं इसको भी, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं इंगित प्रत्यय। इंगित प्रत्यय भी सेम जो है इंगित प्रत्यय जैसा ही होता है, मतलब इसमें भी ई की मात्रा लगा था और इसमें भी ई की मात्रा ही लगेगा, मतलब कि ये दोनों को पहचानना बहुत डिफिकल्ट वाला काम है,
ठीक है, मतलब इसको जो है हमें थोड़ा सा मेहनत करके याद करना पड़ेगा और ये याद रखना पड़ेगा कि कहां पे इंगित प्रत्यय लगता है, किसके साथ लगता है इंगित प्रत्यय और किसके साथ लगता है इंगित प्रत्यय। तो इंगित प्रत्यय कुछ एग्जांपल है, जैसे कि यहां पे है नर्तक, मतलब नाचने वाला, या कह सकते हैं डांसर, और नर्तक में अगर इंगित प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा नर्तकी। और क्वेश्चन ऐसे पूछता है कंफ्यूज करने के लिए कि बताइए नर्तकी में कौन सा प्रत्यय है, कौन सा स्त्री प्रत्यय है। अब आप देखेंगे कि यहां पे तो ई की मात्रा लगा है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कहां पे हम इंगित लगाए या इंगित लगाए। अब दोनों ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन इंगित भी रहेगा, ऑप्शन इंगित भी रहेगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि नर्तकी में इंगित प्रत्यय लगता है, कौन सा प्रत्यय लगता है इंगित प्रत्यय, नर्तक प्लस इंगित इक्वल टू नर्तकी। इसी प्रकार से पितामह प्लस इंगित प्रत्यय इक्वल टू होता है पितामही। भाव में इंगित प्रत्यय जोड़ेंगे भवानी बनेगा, इंद्र में इंगित प्रत्यय जोड़ेंगे इंद्रानी बनेगा, और रुद्र में इंगित प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा रुद्रानी। तो यह इंगित प्रत्यय ऐसा प्रत्यय है जिसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी और इसमें भी सेव है, मुझमें भी है तुझमें भी है, क्या है ई की मात्रा है, तो दोनों में ई की मात्रा है, इसलिए आपको इसमें दोनों में याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं बाकी के जो बचे हुए हैं प्रत्यय उनको, क्योंकि इनके बहुत ज्यादा यूज नहीं होते हैं और ना ही ज्यादा एग्जाम्पल होते हैं। तो पांचवा नंबर प्रत्यय होता है चाप प्रत्यय, जिसका एग्जाम्पल है कि सूर्य में चाप प्रत्यय जोड़ते हैं बनेगा सूर्या। ये आपको एक बारी में याद होगा क्योंकि ये एकलौता है, इसका कोई और एग्जाम्पल है ही नहीं, तो आपको ऐसे ही याद जाएगा। तो आपको याद रखना है कि सूर्या में कौन सा प्रत्यय लगता है, सूर्या में लगता है चाप प्रत्यय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है भैया कि इंगित प्रत्यय छठे नंबर पे आता है, नर में इंगित प्रत्यय मिलकर बनता है नारी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा, नारी में कौन सा प्रत्यय इंगित प्रत्यय। उसी प्रकार से ती प्रत्यय, युवन प्लस ती इक्वल टू युवती, युवती में कौन सा प्रत्यय है, तो ती प्रत्यय लगा हुआ है। आठवें नंबर पे आता है उंग प्रत्यय, कुरु में उंग प्रत्यय जोड़ते हैं बनता है कुरु। ये जो है हर्ष है, हर्ष से हो गया दीर्घ, ऐसा होता है ठीक है। तो कुरु में उंग प्रत्यय लगाकर बनता है कुरु। ये है बाकी के जो प्रत्यय है, इनका ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है और ज्यादा एग्जाम्पल भी नहीं होता है। तो ये इसी के साथ हमने स्त्री प्रत्यय भी समाप्त किया और अंत में हमने प्रत्यय को पूरे तरीके से समाप्त कर लिया। तो हमारा मेहनत आपको कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए। जय हिंद जय भारत। संस्कृत ग्रामर पे मैंने ऑलरेडी काफी वीडियो बना चुका है, चाहे वो संधि हो, समास हो, उपसर्ग हो, पुरुष हो, वचन हो, लकार हो, अनुवाद हो, चाहे जो टॉपिक है, संस्कृत के हर एक टॉपिक पे मैंने डिटेल्स वीडियो बनाया है। तो आप एक बार मेरा प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।